ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक। इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। ये धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन। इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना करते, मैं तुम्हारा हूं। सूट में कहा जा रहा रामायण में एक ऐसा किरदार निभाती है जिसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ना अपने भाई रावण को राम और लक्ष्मण के पास भेजा। वहीं बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दरअसल सूर्पनखा का रामायण में जो रोल था ना, वो शायद एक छोटी सी घटना से बहुत ज्यादा बड़ा था। सूर्पनखा ने रामायण में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया था और उसके बारे में एक ऐसी कथा है जो हर कोई नहीं जानता। दरअसल सूर्पनखा लंका के राजा रावण की बहन और दानवों के राजा कालका के बेटे की पत्नी थी। कई दानवों को मारकर पूरी दुनिया पर राज करने की इच्छा करने वाले रावण ने ना अपनी बहन के पति को ही मार दिया था। रावण ने उसे आश्वासन देते हुए भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। तभी भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए जंगलों में भटक रहे थे। वहां राम को देखने के बाद सूर्पनखा एकदम मोहित हो गई थी। उसे राम का सुंदर चेहरा इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उसने अपना प्यार राम के सामने जाहिर करने का फैसला किया और अपने आप को राम की पत्नी बनाने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करी। उसने अपना परिचय राम को इसी तरह से दिया कि मैं इस प्रदेश की राक्षसी हूँ, यहाँ सब मुझसे भयभीत रहते हैं। तुम्हें बता दूं कि बलवान और शक्तिशाली रावण ना मेरा भाई है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब राम जी ने उसे बताया कि उनका विवाह तो हो गया है लेकिन उनका छोटा भाई अविवाहित है, तो वो उनके पास जाए। फिर लक्ष्मण के पास जाकर सूर्पनखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन लक्ष्मण ने ना उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी सूर्पनखा ने कहा कि वो ना अभी सीता को मार देगी तो आपके विवाहित होने की समस्या ही नहीं बचेगी। ऐसा बोलकर वो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तभी लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काट दी। अब इस बात से सूर्पनखा ना बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने ना अपना बदला लेना शुरू कर दिया। वो अपने भाई खर के पास गई तो खर ने ना राम और लक्ष्मण को मारने के लिए राक्षस भेजा लेकिन ये सब जानते हैं कि राम ने ना इन सभी राक्षसों को मार दिया। सूर्पनखा रावण के पास गई और तब रावण ने अपनी बहन को ये बताया कि वो उसके इस अपमान का बदला लेकर रहेगा। रावण ने उसके बाद सीता का अपहरण किया और सीता को बचाने के लिए ना राम और लक्ष्मण ने हनुमान और वानर सेना की मदद से जीत हासिल की। जहां ऐसा भी माना जाता है कि सूर्पनखा ने रावण से अपने पति के वध का बदला लेने के लिए ना ये सब किया था लेकिन इस बात का प्रमाण आज तक नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में सूर्पनखा ने इतना बड़ा प्लान किया था रावण से बदला लेने के लिए, या ये सब बस एक बहुत बड़ी लीला थी? क्या लगता है आपको, क्या ऐसी कोई कहानी हमें देखने को मिल सकती है आदि पुरुष में? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पढ़ने मान लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।